नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अपच है यानी कि आप पचा नहीं पाते हैं जो आप खाते हैं, यानी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आपकी कमर में दर्द रहता है, या फिर आपकी कमर अकड़ी रहती है यानी कि आपके जो स्पाइनल वर्टिब्राज हैं उनको आप लूजन अप करना चाहते हैं, तो एक सुगम सा अभ्यास, एक सुगम सा आसन जिसका नियमित अभ्यास करके आप इतने सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक अभ्यास और इतने सारे बेनिफिट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से योग साधना करें, ताकि बहुत थोड़े से प्रयास से, थोड़े से एफर्ट से भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। पवन मुक्त आसन, और उसमें भी ये ध्यान रखें कि यथा नाम तथा गुणा, उसका नाम ही है पवन मुक्त, जो आपकी पवन को मुक्त कर दे, यानी कि जो गैस है, जो वायु है, जो विंड है, उसको पास कर दे। इस आसन के अभ्यास के समय आपको विंड पास होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि उसका नाम ही पवन मुक्त है। तो आप जब इसका अभ्यास करें तो ये ध्यान रखिए कि विंड जो पास हो रही है, यानी गैस जो पास हो रही है, उसको होल्ड नहीं करना है। क्योंकि हम जब योगाभ्यास करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि जितने भी विकार हैं, जितना भी वेस्ट है हमारा बॉडी का, विरेचन करते हैं, विरेचन गति, नाक से वेस्ट निकल जाता है। पवन मुक्त आसन, पेट से गैस आपकी निकल जाती है, या आपको यूरिन डिस्चार्ज जाने, यूरिन पास करने की फीलिंग हो रही है, स्टूल डिस्चार्ज करने का मन कर रहा है योगाभ्यास के बीच, तो किसी भी नेचुरल कॉल को होल्ड आपको नहीं करना है। जो भी नेचुरल कॉल है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, नेचुरल नाम ही उसका नेचुरल कॉल, तो जो भी प्राकृतिक वेग है, जो भी मल आपका विसर्जन करने का मन है, उसको कर दें, उसको होल्ड करके योगाभ्यास नहीं करेंगे। कैसे करना है पवन मुक्त आसन, आइए सीखते हैं। पवन मुक्त आसन के लिए हम कमर के बल लेट जाएंगे और दाएं पैर से उसको शुरू करेंगे। ये ध्यान रहे कि ऑलवेज बिगिन इट विद योर राइट लेग, हम इसको लेफ्ट से कभी भी शुरू नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए दाएं पैर को घसीटते हुए लाना और थाई को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, चिन को घुटने से टच करना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाएं पैर से करना, सांस छोड़ते हुए वापस, और फिर दोनों पैरों को एक साथ पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, सांस छोड़ते हुए वापस, हाथों को भी जमीन पर ले आना, पैरों को खोल देना, शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्यम। इसको हम पैर उठा करके भी करते हैं, लेकिन बैक पेन के पेशेंट्स इसको पैर उठा करके नहीं करेंगे, इसीलिए हमने सुगम पवन मुक्त आसन आपको करके दिखाया। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। उत्तासन का नियमित अभ्यास करें, ये आपके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम, और साथ में ही आपके जो वर्टिब्राज हैं, स्पाइनल वर्टिब्राज, उनको लूजन अप करेगा, यानी आपकी कमर में अगर अकड़ाहट रहती है उसको भी दूर करेगा। हमने आज सीखा है सुगम पवन मुक्तासन, जो हम पूर्ण पवन मुक्त करते हैं उसमें पैर को उठा करके करते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि आपकी बैक पेन की समस्या में भी लाभदायक होगा, इसीलिए हमने किया है सुगम पवन मुक्तासन। आप हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, हमें अपनी समस्याएं भी भेजते रहें, हम आपकी समस्याओं पर अपने वीडियोस के माध्यम से समाधान भेजने का, बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।